बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। आपने एक चीज नोट की होगी, जब भी कोई साइक्लिस्ट या कोई मोटर बाइक वाला रेसिंग बाइक है और बहुत तेज बाइक चला रहा है और मोड़ आ गया गोल घूमना है, तो अपने आप को वो क्या करेगा, बेंड करता है, नीचे बेंड करता है। आप स्कूटर ऐसे चला नहीं सकते, आपने स्कूटर लिया मोड़ आ गया आपने खड़े खड़े हैंडल ऐसे घुमा दिया, आप पक्का गिरोगे गिरोगे, आप खड़े खड़े हैंडल नहीं चेंज कर सकते ऐसे। हाँ, थोड़ी सी बेंडिंग आपको करनी पड़ती है, यहाँ पे आपको कम फील होती है मोड़ पे। रीज़न इसलिए, एक तो मोड़ शार्प नहीं है, जो पूरा राउंड अबाउट है उसके आसपास तेज़ घूमना हो तो आपको थोड़ी सी बेंडिंग करनी ही पड़ेगी, पहला पॉइंट। और जितनी तेज़ चलाओगे बेंडिंग उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और यहाँ पे बेंडिंग थोड़ी सी कम करनी भी पड़ सकती है क्योंकि फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है। जितनी कम फ्रिक्शन होगी बेंडिंग उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी, फ्रिक्शन सफिशियंट है तो बेंडिंग थोड़ी सी कम करनी पड़ सकती है। अब बेसिकली साइकिल वाला करता क्या है, देखो अगर एक साइकिल वाला है और एक साइकिलिस्ट को मुझे एक राउंड अबाउट में घुमाना है, मेरे पास कई तरीके हैं। पहला तरीका, साइकिल वाले को कहूँगा ये पड़ी साइकिल तो बैठ जा बस, उसको हाथ से उठाऊँगा और गोल घुमा दूंगा। देखो घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा, क्यों नहीं घूमेगा, राउंड घुमाना है ना तो बिल्कुल घूमेगा साइकिल वाला, उसको मुड़ने की भी जरूरत नहीं, उसको बेंडिंग की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी बॉडी को सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स। वो खुद नहीं पैदा कर पाएगा तो मैं तो दे सकता हूं ना, तो मैंने अपने हाथों से टेंशन ली, जोर लगाया और उस जोर से उसको घुमा दिया, तो मेरे हाथ बाजुओं पे जोर पड़ रहा है तो मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं, टुवर्ड्स सेंटर। अच्छा, ऐसा तरीका नहीं पसंद, कोई बात नहीं, एक और तरीका है, मैं उसे रस्सी से बांध लेता हूं और रस्सी से बांध बांध के गोल 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 घुमाता हूं। यह भी तो तरीका है, क्योंकि रस्सी के अंदर क्या आ गई, टेंशन, और टेंशन कहां है, मेरी तरफ है, तो देखो मैं टेंशन से सेंट्रिपिटल प्रोवाइड कर रहा हूं, अब भी उसको बेंडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे घूमता है घूम ही जाएगा। दोनों तरीके पसंद नहीं, कोई साइकिल ऐसा चलाना पसंद नहीं करेगा, वो कहेगा मैं खुद ही साइकिल चलाऊंगा। अगर खुद चलाएगा तो मैं पूछूंगा, भाई तू ये बता, तो सर्कल में तो घूमेगा, तेरे को कौन सी फोर्स, देखो इमोशंस नहीं है, मैं ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा, ये फिजिक्स में कोई रोल प्ले करता ही नहीं है, ये ऐसा वैसा तो कुछ होता ही नहीं है, तो कुछ, क्योंकि न्यूटन की कहानी है, न्यूटन कहते हैं बस फोर्स बताओ, क्योंकि कोई भी बॉडी को सर्कल में घूमने के लिए फोर्स चाहिए सेंट्रिपिटल, तो बेंड करके ऐसा क्या करेगा कि सर्कल में घूमना शुरू हो जाएगा, तो इसको डिस्कस करना है। तो वो बता देता हूं, बेंड करने से सेंट्रिपिटल फोर्स जनरेट कर लेता है, कैसे, ये देखो, जब वो बेंड करता है वर्टिकल के साथ, पहला पॉइंट ये समझ लो, अगर मेरे को ऐसा सर्कल काटना है इस तरफ, अगर मैं साइकिल चलानी है और मुझे ऐसा सर्कल काटना है तो मेरे इस सर्कल का सेंटर मुझे यहां मिलेगा, और अगर मुझे साइकिल इस सर्कल में काटनी है तो मेरे को मेरा सेंटर यहां मिलेगा। अब साइकिल वाला अगर यहां बेंड हो रहा है तो सर्कल ऐसे काटेगा, और अगर यहां बेंड हो रहा है तो यहां काटेगा, तो देखो ये कहां बेंड हो रहा है, इधर, तो इसका सेंटर कहां पर है, सी, इंपॉर्टेंट है, सेंटर के बिना कैसे काम करोगे, सर्कल में घुमाना है तो सेंटर तो लेना ही पड़ेगा, तो सेंटर यहां क्यों है, ये लॉजिक समझ में आ रहा है, जिस तरफ बेंडिंग है उसी तरफ का मोड़ है। तो साइकिल वाला का टायर सीधा था पर देखा आपने थीटा एंगल, वो बेंड हो गया घूमते घूमते, थीटा एंगल बेंड हुआ, ये साइकिल का हैंडल है, ये टायर है, साइकिल वाला इसके ऊपर बैठा है, ये फ्रंट, सिर्फ फ्रंट की फोटो है, इमेजिन कर पा रहे हो इसे। अब साइकिल का जो वेट है नीचे वो कितना है, mg, वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। अब क्योंकि वो अगर सीधा होता तो वेट नीचे लग के नॉर्मल रिएक्शन सीधा जनरेट करता, पर टेढ़ा होने से नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि टायर के परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, टायर का परपेंडिकुलर ही ऐसे बन गया, तो आर वेक्टर हो गया, और क्योंकि वो थीटा बेंड हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा हो गया। इस आर इज अ फोर्स जो उसको मिली साइकिल वाले को, इसके दो कॉम्पोनेंट हो गए, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। अब साइकिल वाला वर्टिकल मोशन में तो है नहीं, ऊपर नीचे जा नहीं रहा, तो आर कॉस थीटा फोर्स किसको बैलेंस करेगी, वेट, एम जी को, तो फिर आर साइन थीटा क्या कर रहा है, आर साइन थीटा फोर्स कहां कर रही है, टुवर्ड्स सेंटर। मान लो ये 10 न्यूटन की फोर्स है, ये सेंटर की तरफ है, अब मेरे को रस्सी बांध के 10 न्यूटन देने की जरूरत नहीं है, इसने खुद बेंड करके अपने नॉर्मल रिएक्शन की एक फोर्स सेंटर की तरफ पैदा कर ली, और यही एक्ट करेगी सेंट्रिपिटल। तो वह बेंड कर करके क्या कर रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स पैदा कर रहा है। सेंट्रिपिटल फोर्स कैसे पैदा कर रहा है, रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर जाना शुरू हो गया टुवर्ड सेंटर, जो हेल्प करेगा उसे किसे घुमाने में, इन सर्कल। तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर की फोर्स इक्वल टू नीचे की फोर्स, यानी कि आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ये रहा,
और आर साइन थीटा इज एक्टिंग टूवर्ड सेंटर एंड इज एक्टिंग लाइक सेंट्रिपिटल. सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर. मान लो साइकिल वाला वी वेलोसिटी से घूम रहे हैं, आर रेडियस में घूम रहे, तो एम वी स्क्वायर बाय आर. तो आर साइन थीटा ही सेंट्रिपिटल है, तो आर साइन थीटा को क्या वैल्यू साइन करेंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर. ये लॉजिक है इसमें. तो मैं अगर ये पूछूं कि साइकिल वाले को सेंट्रिपिटल किसने प्रोवाइड की, ना तो मैंने पकड़ा ना रस्सी से खींचा गया, उसे बेंड करके आर साइन थीटा जनरेट कर ली. अगर वो बेंड ना होता तो थीटा क्या हो जाता, जीरो. थीटा जीरो, थीटा अगर जीरो होता आर साइन जीरो भी क्या होता, साइन साइन जीरो जीरो है, तो आर साइन जीरो क्या होता, जीरो. तो कोई सेंट्रिपिटल फोर्स ना एक्ट करती, वो सर्कल में घूम ही ना पाता था. तो आर साइन थीटा ने ही फोर्स जनरेट करके टूवर्ड सेंटर उसको सर्कल में घुमाया, तो इसलिए कि सेंट्रिपिटल की तरह काम करेगा. तो अगर तुम इन दोनों को डिवाइड कर लो, तो आर से आर कैंसिल, एम वी स्क्वायर बाय आर को एम जी, एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर बाय आर जी, टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी. फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करो, बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट का फॉर्मूला टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी. फॉर्मूला नोट करो, टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी. बिल्कुल पड़ेगा, ये देखो फॉर्मूले में चेक करो. यहाँ से अगर वो 45 डिग्री बेंड होता है तो वेलोसिटी कुछ और है, अगर 30 डिग्री बेंड होता है वेलोसिटी कुछ और है. अच्छा ऐसे समझाता हूँ, अगर साइकिल वाला तेज घूम रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो एंगल भी ज़्यादा होगा, बेंडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी. तभी तो बाइक वाले जब रेसिंग लगाते हैं तो देखा आपने, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेंड कर जाते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है घूमने की. जितनी ज़्यादा स्पीड होगी एंगल भी उतना ज़्यादा होगा. तो क्वेश्चन आएगा ना, कितनी स्पीड पे बाइक जा रही है, आर रेडियस में घूम रही है, जी आपको पता है, तो बताओ थीटा बेंडिंग कितनी होगी. और उल्टा भी ट्रू है कि अगर थीटा बता देगा 45 डिग्री बेंडिंग की है, तो बताओ बाइक की स्पीड क्या होगी, बाइक की स्पीड भी आ जाएगी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं. इस डेरिवेशन के अंदर इस प्रॉब्लम को डराइव करते हुए दो पॉइंट हैं, कि पहला लिखा हुआ है व्हेन अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ कर्व्ड पाथ सेंट्रिपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, वो तो बता दिया. और सबसे इंपॉर्टेंट ये, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज टू स्मॉल, ये अजम्पशन ली गई है. अगर मैं ये बोल दूं कि फ्रिक्शन है ही नहीं, फिर साइकिल वाला तो टिक ही नहीं पाएगा, तो वो तो गया. और अगर मैं बोल दूं फ्रिक्शन है, तो आप मुझे बोलेंगे सर फ्रिक्शन तो ली नहीं. तो मैंने ये बोल दिया फ्रिक्शन तो है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैंने निगलेक्ट किया, क्योंकि फ्रिक्शन तो उसको गिरने से बचा ही लेगी, फिसलने से बचा ही लेगी. मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि बेंडिंग करने से भी सेंट्रिपिटल फोर्स जनरेट होती है. हाँ ये मान सकता हूं कि अगर यहां फ्रिक्शन भी जबरदस्त होती, उसको शायद इतना बेंड करना ना पड़ता, थोड़ा कम बेंड करना पड़ता, तो वो स्लिप कम होता. पर यहां पर इफेक्ट ऑफ बेंडिंग ही फोकस किया गया है कि बेंड करने से क्या होता है, बस यही सिखाया गया है. इसलिए इस प्रॉब्लम में फ्रिक्शन को क्या किया गया, निगलेक्ट. लेकिन आने वाले टाइम में, अब अगले एक्सप्रेशन में, हम फ्रिक्शन और बेंडिंग दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे. पहला टॉपिक है तो बिना फ्रिक्शन, मतलब लेस फ्रिक्शन के साथ किया, निगलेक्टेड है, लेकिन आगे से फ्रिक्शन का कंसिडर करना है.